अब जाइल में मैं काम करता हूं कई जगह, नाम आपके एमएलए साहब लिख देती है फेसबुक पे कि मैंने ये काम कराया। मेरे को किसी ने कहा कि जाइल में हवा चली, एमएलए साहब लिख दिया मैंने जाइल में हवा चलाई। जाइल में पाला पड़ा तो लिख दिया कि जाइल में पाला पड़ा एमएलए साहब का। अरे उल्टा क्यों लिख दिया, फेसबुक पे लिखने वाला कौन, उसका पता तो करो कि बातों का ध्यान तो रखे। एमएलए साहब को याद रखना चाहिए कि जिले का एमपी मैं हूं, आप विधानसभा में बैठती हो, रेल तार आपकी सेना की जो देश के आती है, वहां एमएलए का पता नहीं लगता दिल्ली के अंदर, तो एमपी जाते हैं वहां पर। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के कुछ काम भी जाइल के अंदर कैसे हो। एक एनसीसी की बात चली हमारी बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए और एनसीसी के बच्चे। आजकल एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है उसको नौकरी के अंदर कुछ फायदा होता है, कुछ जगह एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि जाइल में एनसीसी की विंग आपके जल्दी खुलवा देंगे जाइल के अंदर, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और आपके एमएलए साहब इसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये दिल्ली से खुलेगी, वो दिल्ली के रास्ते नहीं जानते, वो मैं ही जानता हूं सारे। और कौन सी बची है? अरे ये मत करो यार, कॉलेज के नामकरण को लेके बात चल रही है, इसकी बात अपन आराम से कर लेंगे ना, रुक जाओ ना। पीजी केम सर के साथ जाइल हमेशा ही रहा है, अलग थोड़ा ही। मेरी इच्छा तो अब चलो करेंगे बच्चों, इसको मत कराओ घोषणा, आप ही ले लो सारे कागज। है जगत मामा को लेके कुछ इश्यूज आपके थे तो हमने तो प्रयास किया था, विधानसभा में उठवाया, लेटर भी लिखे, करेंगे पूरा प्रयास जो भी है। जाइल महाविद्यालय का नाम किसी लोक देवता के नाम से, हमारे समाज के लिए, किसान के लिए जिसने बलिदान दिया, ऐसे व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। मैं आप लोगों से बात कर लूंगा और जो आपको उपयुक्त नाम लगे वो बता देना। जाते जाते राज में, इस जाते जाते राज में ये भी काम करवा दूंगा, जाएगा राज से जाने वाला, जाते पूंछड़ी पकड़ लेंगे, ठीक है ना। आज मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा इन बालिकाओं को कि 4 बजने को है, हमारी बेटियां यह कार्यक्रम के अंदर बैठी है, चिंतित है। बच्चे भी कॉलेज के अंदर विकास को लेकर चिंतित है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जाइल कॉलेज को विकास के नए आयाम देंगे, कॉलेज में विकास कराएंगे। और मेरी तरफ से प्रिंसिपल साहब, हमारे नागौर में जब सुरेंद्र था क्या कॉलेज को कार्यालय बना, जो कौन था सुरेंद्र का चला गया प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में एक छात्र संघ कार्यालय बनवा दो ना अलग से बच्चों का, नहीं पूरा अलग ही बना लो उसको, अलग जमीन तो है ना आपके पास, तो ले लो फिर, ताकि रोजाना क्या बच्चों को कमरा कितना बड़ा है भैया, पूरा ही बना दे बढ़िया कार्यालय। जो नागौर वाला कार्यालय कैसा है देखा क्या? नहीं रोड के अंदर बनाओ, बाहर थोड़े बनेगा, बाहर क्या उस साइड में, या बना लो या जो भी आप तय कर लेना। 10 लाख रुपए छात्र संघ कार्यालय के लिए देने के मैं घोषणा करता हूँ एमपी कोटे से। और वो 10 लाख में सारा और भी फर्नीचर वगैरह जो भी होगा उसका सारा खर्चा मैं एमपी कोटेज दे दूंगा छात्र संघ कार्यालय का। आप एक बार नागौर का देखे ना, आप वैसा बनाना चाहते हो या उससे ज्यादा अत्याधुनिक बनाना चाहते हो बता देना, कार्यालय में आपका बना दूंगा, ताकि बार बार बच्चों को ये ना सीधा कार्यालय छात्र संघ कार्यालय पूरा हुआ कार्यकाल दूसरा आदमी उसके अंदर जाके बैठा, ठीक है ना। जाइल में बहुत जोश देखने को मिला, अगर 11:30 बजे में आता तो मुझे पता घोड़ी से आप उस लीलन चौक से लेके यहां तक लाते, 2-3 घंटे आप हमेशा रखते हो ध्यान मेरा, मैं भी पूरा आपका ध्यान रखता हूं। जाइल और क्यों सरप बना 1972-77 तक तो हमारे गांव के वोट भी जाइल में पड़ते थे, पहले जाइल विधानसभा क्षेत्र था, उसे टूट के मुंडवा बना 77 में और मुंडवा से फिर खींवसर विधानसभा क्षेत्र बना। तो हमने एक जगह वोट भी, हमारे बुजुर्गों ने एक जगह वोट भी डाला है। ये बहुत करंट वाला इलाका है, मजबूत इलाका है, सच्चाई के साथ रहता है,
हमारे लोगों का बड़ा इतिहास है। मायरे के अंदर आपने देखा होगा किस तरह दरबार और बादशाह के पैसे की परवाह किए बिना जाट समाज के उन चौधरियों ने जो मायरा भरा वो पूरे देश के अंदर नहीं विश्व में विख्यात है। और जगत मामा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जगत मामा के नाम से भी कुछ न कुछ जाहिल के अंदर हम जरूर करेंगे। पहले एक बार बैठ के अपन बात कर लेंगे सारा कि कौन सी चीज आसानी से हो, क्या आपकी डिमांड थी। उस डिमांड में मैं पहले भी आपके साथ था जब आपने आंदोलन किया। और ऐसे व्यक्ति के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार को उनके नाम से भी जो भी लोग चाहते हैं वो नामकरण निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं ये भरोसा आपको दिलाता हूँ। आप सबने मुझे सुना, मैं कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचा। हमेशा मन में इच्छा रहती है, बच्चे मेरे पास आते हैं कि भाई साहब नौकरी लगा दो। बीटेक किए हुए बच्चे, एमटेक किए हुए बच्चे कह रहे 15,000 की नौकरी कर लेंगे। ये बेरोजगारी की समस्या जो इस देश के अंदर सर चढ़ के बोल रही है। आज जो नशा तेजी से फैल रहा है इस पूरे जोधपुर संभाग में, पूरे राजस्थान के अंदर, पंजाब के बाद सबसे ज्यादा नशे का कारोबार अगर कहीं चल रहा है वो राजस्थान के अंदर चल रहा है।